इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर गेट IES ISRO एंड PSU का ये पार्ट 21 वीडियो है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डेल्प की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या होती है। डेल टी माइनस टी वन को हम कन्वोल्यूट करेंगे डेल टी माइनस टी टू से, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल टी माइनस टी वन, ठीक है, माइनस टी टू, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये डेल की प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ सिक्वेंस, ठीक है। लेंथ ऑफ सिक्वेंस अगर अपने को निकालना होगा तो कैसे करेंगे हम, एक्स वन एन कन्वोल्यूशन करेंगे हम एक्स टू एन से, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ एक्स वन एन प्लस लेंथ ऑफ एक्स टू एन माइनस हम वन कर देंगे, तो टोटल लेंथ ऑफ द सिक्वेंस, सॉरी मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सिक्वेंस आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक अगर अपने को निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, टू बाय पाई इंटू में पीक टू पीक एम्पलीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने सिग्नम फंक्शन देखा होगा, सिग्नम फंक्शन की किस तरीके से ये ड्रॉ होता है ना, ये टाइम टी है, इधर वन होता है एम्पलीट्यूड, इधर माइनस वन होता है, ठीक है। इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमको निकालना होगा तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको ये याद होना चाहिए कि सिग्नम फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, टू बाय जे ओमेगा। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन इज, और आपको चार ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। उसमें से आपको बताना होगा कि सिग्नम फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बट आपको जनरली ये पता होना चाहिए कि क्या होता है, ये टू बाय जे ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सब्जेक्ट से लॉसलेस लाइन होती है, ठीक है। तो उसकी एस मैट्रिक्स का ये जनरल एक्सप्रेशन होता है, वो होता है जीरो ई की पावर माइनस जे बीटा एल, ई की पावर माइनस जे बीटा एल और जीरो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस किए हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, सिग्नल एंड सिस्टम से, और एक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पॉइंट डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज ऑफ वोल्टेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात कर रहे हैं हम, चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, क्या होता है, माइनस 2.5 मिली वोल्ट पर सेंटीग्रेड। ये किसके लिए हो रहा है, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम डाइट के लिए, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, चेंज ऑफ वोल्टेज वी टू माइनस वी वन इक्वल्स टू माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 टी टू माइनस टी वन, ठीक है। कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि हमने वी वन वोल्टेज दिया है, उसमें टी वन टेम्परेचर है, वी टू वोल्टेज दिया है, तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। वोल्टेज हम चेंज करेंगे तो करंट क्या चेंज हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर क्या चेंज हो रहा है, तो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डिप्लीशन लेयर विड्थ एंड डोपिंग का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, एन डी इंटू एक्स एन जीरो इक्वल्स टू एन ए इंटू एक्स पी जीरो, ठीक है। जैसे ये पी एन डायोड है हमारा, ठीक है, ये हमारी डिप्लीशन लेयर हो गई, ये क्या है पी और ये क्या है एन, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा एन डी है ना, और इधर क्या हो जाएगा एन ए, ठीक है। इस वाले रीजन में क्या आ जाएगा एक्स पी जीरो, और ये वाला जो है वो क्या है एक्स एन जीरो, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया है, इधर आएगा पी पी जीरो, इधर एन जीरो, मतलब ये वाली लेंथ एक्स एन जीरो है और ये वाली लेंथ डिप्लीशन लेयर की एक्स पी जीरो है, ठीक है। और ये क्या है डोपिंग, डोनर एटम और ये एक्सेप्टर एटम, ठीक है। तो इसका ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। मतलब परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन का ये हमको क्वेश्चन में दिया होता है कि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालो, और आपको ये तीनों वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो बस आपको ये फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड वोल्टेज इंटू
100, तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। मॉस्फेट की बात करते हैं हम। मॉस्फेट क्या होगा, सेचुरेशन रीजन में कब होता है मॉस्फेट? मॉस्फेट सेचुरेशन रीजन में कब होता है? ठीक है, जब VGS इक्वल्स टू VDS होता है, तो उसमें ID की जो ड्रेन करंट होता है, ड्रेन करंट का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ म्यू एन C0X VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर लीनियर अगर रीजन में होगा तो ID की जो फॉर्मूला होगा, ID का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हाफ म्यू एन C0X VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस VDS का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो आपको ये दोनों कंडीशन में ड्रेन करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मॉस्फेट अगर सेचुरेशन रीजन में हुआ, ये शायद मैंने गलत लिखा, इसे आप मत नोट करिए। ठीक है, मॉस्फेट सेचुरेशन रीजन में होगा और लीनियर रीजन में होगा, तो आईडी की क्या फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको मॉस्फेट का ड्रेन करंट का फॉर्मूला लिख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोप्रोसेसर से नंबर ऑफ चिप रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड। ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि नंबर ऑफ चिप कितनी रिक्वायर्ड हुई है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो मेमोरी साइज दे रखी होगी, ठीक है, मेमोरी साइज दे रखी होगी, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 की पावर, जो एड्रेस लाइन दे रखी होगी, इंटू डेटा लाइन्स। ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसरो में पूछा जा चुका है, नंबर ऑफ चिप रिक्वायर्ड 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वैसे भी जनरली भी आपको पता होना चाहिए, कोई और एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो भी आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड कितना होता है, मेमोरी साइज अपॉन 2 की पावर, एड्रेस लाइन हमको दे रखी होगी, इंटू डेटा लाइन्स। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को इधर ही स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।